गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबको सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये देखिए आटे के दिए हैं, किस किस के यहाँ दीपावली के दिन आटे के दिए जलाई जाती है। हमारे यहाँ मिट्टी के दिए कम और आटे के दिए ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने सोचा चलिए कि ये भी ट्राई करते हैं वीडियो बनाकर। तो देखिए सबसे पहले आटा ले लिया है, जो रोटी बनाई थी उसमें से ही मैंने बचा लिया था। रोटी पूरियां जो भी बनाते हैं उसमें से ही आटा, वैसे ही आटा चाहिए होता है। यहाँ पर मैंने रोटी की साइज़ का बेल लिया है और ये मैं बीच से कट करूँगी, जो स्टील की कंटेनर होती है उससे। इससे क्या होता है, दो लोटस फ्लावर दिए के लिए हमें दो पूड़ियाँ चाहिए होगा। तो ऐसा है कि हम हाथ से बनाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ का तो नहीं बना पाते, इसलिए कि कोई एक कंटेनर का ढक्कन ले लीजिए और शेप हमारा परफेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें 8 ट्रायंगल शेप में चाहिए। तो सर्कल हमने पूड़ियाँ शेप का बनाया था, उसे बीच से हम क्रॉस में काट लेंगे। क्रॉस में काट लीजिए या फिर प्लस में काट लीजिए, और 8 8 ट्रेंगल शेप का चाहिए। दो पूरिया में 8 ट्रेंगल शेप का बन ही जाता है। तो यहाँ पर ऐसे बिल्कुल आराम से एक के ऊपर एक थोड़ा सा रख लेना है इस टाइप में, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। और जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहीं से हमें फोल्ड करके नीचे तक ले आना है, बिल्कुल हल्के हाथों से आराम से, और थोड़ा सा जैसे वो चिपक चिपक जाए इस टाइप का। और बनाते ही आपको दो लोटस की शेप में दिखाई देने लगेगा। फिर हम बीच से कट कर लेंगे, ये देखिए इस टाइप का, और इसकी पंखुड़ियाँ थोड़ा थोड़ा खोल लेंगे। कितना आसान था बनाना, जब नहीं आता है तो लगता है कि बहुत मुश्किल होगा। देखिए बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा है, कितना प्यारा दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा एक ही बार में। आप लोग कोई भी बना सकता है ये। तो ये मेरा लोटस शेप का बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मैं रोज़ शेप के लिए बनाऊँगी। रोज़ शेप के लिए थोड़ा सा बड़ी चाहिए होगी लोई, और जो गिलास होती है उसे 8 शेप में सॉरी सर्कल शेप में काट लेना होगा, जैसे देखा आपने वीडियो में। ये देखिए जैसे सेम बनाते हैं लोटस के वैसे ही बनाना है, इसलिए मैंने वीडियो फास्ट कर दिया है। तो यहाँ पर हम लगा लेंगे, और बीच में फूल वाले बत्ती, और ये घी। ये देखिए कितना प्यारा दिखाई दे रहा है ना जलने के बाद, दिया लगने के बाद। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दीपावली पे खूब एंजॉय कीजिए, मज़े कीजिए। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, तो आप लोग भी ट्राई कीजिए। धन्यवाद।